पत्थर में चावल। प्रभाकर बहुत ही लालची और धोखेबाज आदमी था। वो एक किराना दुकान चलाया करता था। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो हमेशा माल में मिलावट करके बेचता था। फिर एक दिन प्रभाकर को पता चलता है कि उसके घर के पास वाले सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए खिचड़ी बनाने का टेंडर निकला है। प्रभाकर कुछ अधिकारियों को पैसे खिलाकर टेंडर हासिल कर लेता है। अब छोटे बच्चों को खिचड़ी खिलाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। भला स्कूल में खिचड़ी बेचकर हम अमीर कैसे बनेंगे जी? अरे भाग्यवान, जिस तरह मैं अपनी दुकान के सामान में मिलावट करता हूँ, उसी तरह खिचड़ी में भी ढेर सारी मिलावट करूंगा। मैं चावल में पत्थर नहीं बल्कि पत्थर में चावल मिला दूंगा। फिर दूसरे दिन प्रभाकर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर की एक बोरी अपने घर ले आता है। उसके बाद वो सारे कंकड़ पत्थर को पीसकर चावल में मिला देता है। प्रभाकर की चालबाजी देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। चलो भाग्यवान, अब इस चावल से खिचड़ी बनाकर तैयार कर दो, 12 बजे तक मुझे स्कूल में खिचड़ी पहुंचानी है। उसके बाद प्रभाकर की पत्नी ढेर सारी खिचड़ी बनाकर तैयार कर देती है। फिर प्रभाकर सारी खिचड़ी स्कूल में पहुंचा देता है। इस तरह रोज लालची प्रभाकर कंकड़ पत्थर मिलाई हुई खिचड़ी स्कूल में पहुंचाने लगता है। दूसरी तरफ प्रभाकर सरकारी अधिकारियों को और ज्यादा रिश्वत देकर उनसे दूसरे स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल कर लेता है। बस फिर क्या था, आसपास के सभी इलाकों में प्रभाकर की मिलावटी खिचड़ी जाने लगती है। लेकिन कुछ ही दिनों में इस मिलावट का असर दिखना शुरू हो जाता है। स्कूल के सारे बच्चे एक एक करके बीमार पड़ने लगते हैं। मास्टर जी, आप हमारे बच्चों को जो खिचड़ी दे रहे हैं उसे खाने के बाद हमारे बच्चों के पेट में दर्द होने लगता है। हाँ मास्टर जी, आखिर आप बच्चों को कैसी खिचड़ी खिला रहे हैं? मास्टर ने प्रभाकर से रिश्वत ली थी, इसलिए वो बच्चों के माता पिता को डांटना शुरू कर देता है। देखो ये सरकारी स्कूल है, यहाँ इसी तरह की खिचड़ी मिलेगी। एक तो हम तुम्हारे बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, ऊपर से रोज उन्हें मुफ्त में खाना भी खिलाते हैं। अरे हमारा एहसान मानने की बजाय तुम लोग हम पर उंगली उठा रहे हो। चलो सब भागो यहाँ से, वरना मैं अभी के अभी तुम्हारे बच्चों का नाम काट कर उन्हें स्कूल से निकाल दूंगा। मास्टर की धमकी सुनकर बच्चों के माता पिता घबराकर वहां से चले जाते हैं। इस तरह दुष्ट प्रभाकर बच्चों को मिलावटी खिचड़ी खिलाकर ढेर सारे पैसे कमा रहा था। लेकिन फिर एक दिन राजू नाम का लड़का बुरी तरह बीमार पड़ जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। अस्पताल का बिल भरने की हैसियत उसके माता पिता की थी नहीं, इस बात से वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। हे भगवान, आखिर तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उसके बाद राजू के पिता अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। अरे तू क्या सोचकर मेरे पास पैसे मांगने आ गया? एक तो तेरी कमाई का ठिकाना नहीं, ऊपर से तू मुझसे ढेर सारे पैसे मांग रहा है। नहीं नहीं, मैं तुझे कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला, चल जा यहाँ से। इस तरह एक एक करके सभी रिश्तेदार राजू के पिता को उसकी गरीबी का ताना मार कर भगा देते हैं। फिर राजू का पिता थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपनी बुरी किस्मत पर रोने लगता है। तभी आसमान से गुजर रहा एक देवदूत राजू के पिता को देख लेता है। लगता है ये आदमी बहुत दुखी है, मुझे इसके पास जाकर इसके दुखी होने का कारण पूछना चाहिए। उसके बाद वो देवदूत राजू के पिता के पास पहुंचकर उसके रोने का कारण पूछने लगता है। क्या हुआ, तुम इस तरह दुखी होकर क्यों रो रहे हो? मुझे अपने दुख का कारण बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। देवदूत की बात सुनकर राजू के पिता उसे सारी बात बता देते हैं। लगता है कोई लालची आदमी बच्चों को मिलावटी खिचड़ी दे रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं उसका पता लगाकर उसे कड़ी सजा दूंगा। उसके बाद देवदूत वहां एक आईना प्रकट कर देता है। जादुई आईना, मुझे उस आदमी की शक्ल दिखाओ जो बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और अगले ही पल आईने में प्रभाकर का चेहरा दिखाई देने लगता है। प्रभाकर मिलावटी चावल से खिचड़ी तैयार कर रहा था। अच्छा, तो ये बुरा आदमी ज्यादा पैसे कमाने के लिए दूसरों को धोखा दे रहा है। अब इसे सबक सिखाकर मैं इसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज करता हूँ। उसके बाद देवदूत राजू के घर जाकर उसे जादुई शरबत पिला देता है। देखते ही देखते राजू की तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाती है। मेरे बेटे की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका यह एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचा ली,
अब मुझे उस बेरहम आदमी को सबक सिखाना है। उसके बाद देवदूत हवा में उड़ते हुए सीधा प्रभाकर के घर पहुंच जाता है। मुझे तेरी सारी बुरी आदतों के बारे में पता चल गया है। तू बच्चों को मिलावटी खिचड़ी देना बंद कर दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे कौन है तू? अरे ड्रामे वाले कपड़े पहनकर मुझे धमकी क्यों दे रहा है? चल भाग जा यहाँ से, वरना डंडा उठाकर तेरी खूब पिटाई करूंगा। तूने सुना नहीं मेरे पति ने क्या कहा? भाग जा यहाँ से, वरना मेरे पति बहुत खतरनाक है, वो तेरा हाल बुरा कर देंगे। लौटों के भूत बातों से नहीं मानते, लगता है अब मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसके बाद देवदूत अपनी शक्ति से वहाँ एक बड़ा चूहा प्रकट कर देता है। फिर वो चूहा प्रभाकर और उसकी पत्नी को काट कर बुरी तरह घायल कर देता है। अरे मर गया, अरे इस चूहे ने मेरा पैर काट लिया, अरे कोई बचाओ मुझे। हाय, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे अस्पताल ले चलो। उसके बाद देवदूत वहाँ से अदृश्य हो जाता है। दूसरी तरफ दोनों पति पत्नी की रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग मिलकर दोनों को पास के अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। सुनो, तुम दोनों की जान बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है, मुझे तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन करना होगा, लेकिन इसके लिए बहुत खर्चा होगा। अरे मुझे घर जी की परवाह नहीं है, बस आप जल्दी से हम दोनों का इलाज करिए। उसके बाद डॉक्टर उन दोनों का ऑपरेशन कर देता है। फिर अस्पताल का बिल चुकाने में प्रभाकर के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसे कर्ज भी लेना पड़ता है। इस तरह देखते ही देखते प्रभाकर पूरी तरह कंगाल हो जाता है। तुम दोनों को तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा मिल गई है, अब तुम दोनों के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। बोलो, क्या अब भी तुम दोनों लोगों के साथ धोखेबाजी करोगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब आज के बाद मैं कभी जिंदगी में दोबारा बेईमानी नहीं करूंगा, बल्कि हर काम ईमानदारी के साथ करूंगा। ये सुनकर देवदूत बहुत खुश होता है। उसके बाद देवदूत वहां से चला जाता है और उस दिन के बाद से प्रभाकर और उसकी पत्नी दोनों पूरी तरह सुधर जाते हैं और दोबारा कभी बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्यादा पैसा कमाने के लालच में दूसरों को धोखा देने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह पाते और एक ना एक दिन उन्हें कड़ी सजा जरूर मिलती है। इसलिए जीवन में हमें कभी भी धोखेबाजी करके पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए।